हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है रंगोली रसोई में। आज मैं ना चना की घुघनी बना के तैयार की हूँ, बिना लहसुन प्याज का है और बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए फटाफट बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, चना को मैंने रात भर भिगो के रख लिया था और उसके बाद मैंने इसको पानी से छान के निकाल लिया है। और उसके बाद चलिए हम फटाफट कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया। उसमें मैंने तेल ऐड किया है, आधी छोटी चम्मच खड़ा जीरा ऐड किया है और उसके बाद मैंने 4 से 5 मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड किया है। इन सभी को अच्छे से हम चटकने देंगे। ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से चटक चुका है। उसके बाद जो चना है ना, चना को हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसको हमें ना गैस के फ्लेम को हमें हाई रखना है, क्योंकि चना को चना जब हम डाले हैं ना इसमें, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी जैसा था, इसलिए गैस के फ्लेम को हमें हाई रखना है। और ऐसा बनकर तैयार होगा ना, आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाकर खाने का मन करेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा जब भून जाए चना ना, उसके बाद इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। और नमक ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसमें ना मिर्च का ना पाउडर ऐड करना है। तो आधी छोटी चम्मच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है और उसको डालने के बाद फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को हमें हाई रखना है। इसे चना को ना हमें ढकना भी नहीं है, बस ऐसे ही ये चलाते रहेंगे हाई फ्लेम पे, तो ये बहुत ही अच्छा भुनकर तैयार होगा। और उसके बाद 5 मिनट मैंने इसे भूना है। ये देखिए कितना अच्छा भून के तैयार है। तो चलिए फटाफट प्लेट में लगाते हैं। यहाँ पर चना की घुघनी बनके बिल्कुल रेडी है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो चैनल पर नया है उसको सब्सक्राइब करें, और जो फेसबुक पे पेज को फॉलो करें। तब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।